In terms of your contesting the elections, ये था मैंने आपको 2002 की amendment दिखाई थी, जिसमें जो originally proportional representational system introduce हुआ था, उसमें था कि you have to contest and you have to get 5% of the vote. So let me ask you this: supposing a party, a political party, participates but secures no seats, yes, they lose all the seats, yes, then the independents can join that political party and they will be given proportionately. Yes. On the basis of the fact that what is that principle? The principle is as stated in the constitution that proportion. सिर्फ political party होना जरूरी आप कह रहे हैं. ये इस चीज पे डिटरमिंड होगा कि आपकी कितनी सीट्स आप देखिए लव्स क्या यू ऑन द बेसिस हो गया ना कोई सीट नहीं उसने विन की अब क्या होगा नहीं 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 लैंग्वेज है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स सिक्योर्ड बाय ईच पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम दैट प्रोविंस मतलब उसकी कितनी असेंबली में सीट्स हैं और फिर प्रोविजो आपकी बात समझ आ गई ना यू रीच द एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट इट सो दैट हाउ टू रीच द एंड सो यू आर सेइंग इट डजंट मैटर दैट दे कंटेस्ट इट हैज to be a political party it yes. need not contest the election yes. it can lose the election yes. but it can join so independents can irrespective yes. of losing or otherwise join yes. that party and those seats will be counted yes that's your yes. answer ye to aap ye progressive interpretation mere hisab se aap progressive interpretation nahi kar rahe bada dangerous interpretation kar rahe hain ye power de rahe hain election commission ko kal kisi ko bhi declare kar dein ki apni aap independent ho aur koi bhi party koi patriot type पार्टी बने और उसमें कह दे कि शामिल हो जाए ये देखिए ये मैं सवाल एंड में जवाब दे दूं वो पार्टी बहुत सारे जवाब सवाल वो पार्टी जिनको लोगों ने इलेक्ट करके असेंबली में भिजवाया आप उनको डिप्राइव करवाना चाहते हैं उस पार्टी को देना चाहते हैं जो कल किसी भी वजह से बन जाए रातों रात पार्टियां बन जाती है ना यहाँ पे उस पार्टी में शामिल हो जाए फिर जो भी करना चाहे कर ले सर मैं आता हूँ जो इलेक्शन कमीशन ने किया है the consequences of that are so constitutionally well, that would be another argument exactly main yahi kehna chahta hu aapne ek minority government ko power to amend the constitution ye future mein yahi power to amend ek minority government faisal sahab dangerous future mein yahi karwana chahte hain agar aap is tarah ki party ko ijazat denge ye to aaj hua hai aap dekhiye ek minority ye argument किस चीज से आ रहा है जी सर मैं आता हूँ नहीं सर देखिए आप ऐसी सियासी तकरीर करना है बाहर कीजिए अनलेस यू कैन शो अस फ्रॉम योर प्लीज सर इफ द क्या आर्गुमेंट इफ द करंट कोलिजन गेट्स दी 23 सीट्स वी आर नॉट दे विल गेट 2/3 इन द मेजॉरिटी वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट वी आर इंटरेस्टेड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इफ यू हैव अ पॉलिटिकल केस टेक इट टू द पॉलिटिक्स इट इज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फैसल साहब मैं एक मफरूजा छोड़ देता हूँ नहीं ठहर जाइए एक सेकंड मैं एक मफरूजा छोड़ देता हूं मैं आपको बार बार कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूं या तो आज इस पार्टी में उस पार्टी में तो कुछ ज्यादा पुरानी बातें कम होती हैं कि आप रहो एक जगह उनको बातों को छोड़ दें एक साइड पे अगर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ये मेरे मेंबरान हैं और हमारे सामने दूसरी पिटिशन हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कहें ये मेरे मेंबरान हैं फिर हम क्या करें हम टॉस करेंगे नहीं हम क्या करें सर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ आप कह रहे कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं देखिए जब कोई फैसला लिखा जाता है ना हमें ना सिर्फ उस फैसले उस वक्त का देखना होता है उसके रिपरकशंस भी देखना होते हैं कि कहाँ ये इसको कैसे इंटरप्रेट होगा कल को क्या होगा तो आज हमारे सामने मफरूजे के तौर पे लेके चल रहा हूँ दो सर, मैं नहीं अब आप ठहरिए आप जवाब तो देना आप कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं सर, मैं तो आपका बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर दो कल पीटीआई हमारे सामने यहाँ खड़ी होती कि जी मेरे लोग हैं आप क्या हमारे लोग हैं अब हम क्या फैसला करेंगे बताएं आप किस तरफ जाएंगे आप पीटीआई को सपोर्ट करेंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सपोर्ट करेंगे सर फैसल साहब आप के जो आर्गुमेंट में जवाब इनको फिर दूसरा कर लीजिए आपके आर्गुमेंट में एक इनहेरेंट फ्लॉ स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ मुझे नजर आ आप जो दो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज है कैंडिडेट्स की जो कंटेस्ट करते हैं एक वो जो पोलिटिकल पार्टी के होते हैं एक वो जो इंडिपेंडेंट होते हैं And speaking for myself, what determines is the declarations made in the nomination papers. Now, अगर तो आपके declarations जो हैं वो एक political party के behalf पे candidate थे then that's a separate question. But if your candidate जो आप अपने candidate कहते हैं they contested the election as independent, then it's altogether a different question.